वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को दोस्तों यहाँ पर हम लोग घटना चक्र की जो आपका करंट अफेयर्स की वार्षिकी आई है उसको कवर अप कर रहे हैं बट एक नए तरीके से कवर अप कर रहे हैं देखो एग्जामिनेशन में अगर आप सारे क्वेश्चंस करना चाहते हो और आप चाहते हो कि इस बुक को आप कंप्लीट कर लो और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओ तब आपको ये वाली सीरीज ज़रूर देखनी चाहिए क्यों क्योंकि मैं यहाँ पर सीधे सीधे पी नहीं पढ़ा रहा हूँ रीज़न बिंग कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं उसमें जो अननेसेसरी हैं जो सेंटेंसेस हैं उनको बहुत रेक्टिफाई करके उनको मिनिमाइज़ किया जा सकता है सो so, वो सारी चीज़ें जो हैं इस पूरे पीडीएफ में की गई हैं आप यहाँ पर देखोगे तो जो टॉपिक बुक में एक डेढ़ पन्ने का है वो यहाँ पर आपको मात्र आधे पन्ने के अंदर फिनिश कर दिया गया है इंक्लूडिंग सारे फैक्ट्स कोई भी ऐसा फैक्ट्स नहीं है जो उसमें छोड़ा गया हो सो so, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए तो इसको आप ज़रूर फॉलो करें प्ले में जाइएगा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा अभी जो हमारा है वो नेशनल अफेयर्स वाला सेक्शन चल रहा है सो so, नेशनल अफेयर्स में आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो है पांच राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए 2023 में उसके बारे में इससे पहले के जो नेशनल अफेयर्स के टॉपिक हैं वो ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं सो so, आइए शुरू करें अब सबसे पहली चीज़ की पाँच राज्य वो कौन कौन से थे जहाँ पर चुनाव करवाए गए तो इसमें छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश मिजोरम राजस्थान तेलंगाना ये सब आपको याद रखने अब सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की अभी अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है जिसमें आपसे नंबर ऑफ सीट्स के बारे में पूछा जाता है कि किस विधानसभा में कितनी सीटें हैं वो रेंडमली नहीं पूछा जाता रेंडमली का मतलब अगर देखो पिछले दो तीन साल में जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं वही स्टेट आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे क्वेश्चन की फॉर्म में कि उन पर्टिकुलर स्टेट्स में कौन कौन सी स्टेट में कितनी कितनी सीटें हैं इसलिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना है जब हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो 90 यहाँ पर टोटल सीटें हैं विधानसभा की जो चुनाव करवाया गया वो दो चरणों में करवाया गया चुनाव के लिए जो शुभंकर यहाँ पर था वो चुनई चिराई था दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये जरूर एग्जामिनेशन में आ सकता है ज़रूर याद रखें वोट परसेंटेज स्पेसिफिकली नहीं पूछा जाता है बट मैंने यहाँ पर इसको फिर भी इंक्लूड किया है 76.31 परसेंट के आसपास यहाँ पर वोटिंग हुई थी इसके बाद आगे बात करें कि ये कौन सी uh, किस क्रम की विधानसभा थी तो ये छठवीं छट, यानी कि सिक्स टाइम यहां पर विधानसभा के चुनाव हुए थे और इसमें जो पार्टी विजयी रही वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी रही टोटल 54 सीट्स यहाँ पर बीजेपी ने एक्वायर की 90 में से टोटल 90 सीट्स थी 54 बीजेपी को मिली अब इसमें जो महिला प्रतिनिधि हैं जो विजयी रहीं वो कितनी थी इन टोटल 19 थी अभी तक की जो छत्तीसगढ़ में छः बार पांच बार पहले भी चुनाव हुए हैं ये छठे बार का था अब तक सबसे ज़्यादा महिलाएं इस बार जीती हैं उन्नीस महिलाएं मुख्यमंत्री की बात करें कि, कि किसने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी और कहाँ पर करी तो साइंस कॉलेज मैदान जो कि रायपुर में है वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ और विष्णु देव साय इन्होंने जो है मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी और व्यक्तिगत रूप से ये चौथे सीएम बने हैं विष्णु देव सहाय की बात करें तो ये जो है व्यक्तिगत रूप से चौथे सीएम बने राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं दैट इज़ वाई दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से ये विजयी हुए उप मुख्यमंत्री दो बने एक अरुण साय और दूसरे विजय शर्मा वहीं अगर हम बात करें विधानसभा अध्यक्ष की तो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए गए रमन सिंह ठीक है सो so ये सारे पॉइंट हैं यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ चुनाव से रिलेटेड इसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें टोटल सीटें कितनी 230 और इन 230 सीटों के लिए जो वोट पड़ा वोट परसेंटेज वो 77.15 77.15 दशमलव पंद्रह प्रतिशत यहाँ पर वोटिंग हुई ये सोलहवीं विधानसभा थी जिसके लिए चुनाव कंडक्ट कराए गए थे भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत अर्जित करी और एक सीटें जीती कितने दो में से टू में से एक सौ तिरसठ वन सिक्सटी थ्री सीट्स के साथ में बीजेपी ने जीत दर्ज करी महिला प्रतिनिधियों की बात करें सत्ताईस महिलाओं ने यहाँ पर जीत दर्ज करी मुख्यमंत्री कौन बना तो ये बने आपके मोहन यादव अब ये जो है उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से विजयी हुए इसके बाद आगे बात करें उप मुख्यमंत्री की तो उप मुख्यमंत्री के रूप में जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला इन्होंने शपथ ग्रहण करी विधानसभा अध्यक्ष ये बने नरेंद्र सिंह तोमर ये सारे पॉइंट थे आपके मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में अगर आप पी देखोगे ना या फिर ओरिजिनल बुक देखोगे आप देखोगे अननेसेसरी बहुत सारे चीज़ें दे रखी हैं बट यकीन मानना इसके बाहर जितना मैंने आपको यहाँ पर बता रहा हूँ हर एक पॉइंट जो भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है वो सब कुछ इंक्लूड कराए चीज़ों को बहुत रेक्टिफाई करके करा गया है और मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज़ आपको हंड्रेड परसेंट पसंद आएगी हो ही नहीं सकता ना पसंद आए अभी तक बहुत सारे चैनल्स ने इस बुक को पढ़ाया है अलग अलग तरीके से पढ़ाया है बट सब ने ज़्यादातर ये करा है कि सीधे सीधे पी को उतार दिया है बट वो बहुत पैथेटिक तरीका है कोई मतलब नहीं है उसको पढ़ाने का ठीक है वेल well, जैसा आपको पसंद आए अगर आपको ये वाला सीरीज़ पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर और लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा मिज़ोरम चुनाव के बारे में बात करें तो यहाँ पर टोटल 40 सीटें हैं और उसमें उनतालीस सीटों की बात करें तो वो अनुसूचित जनजातियों के लिए यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं टोटल वोट कितना पड़ा अस्सी ठीक है और वहीं अगर हम बात करें कि कौन से क्रम की ये विधानसभा चुनाव हुए तो ये हुए नौवीं मतलब नौवीं विधानसभा के लिए यहाँ पर चुनाव परिणाम जो थे वो दिसंबर 2023 में जारी किए गए कौन सी पार्टी यहाँ पर जीती तो यहाँ पर जीती आपकी जोरम पीपल्स मूवमेंट टोटल 27 सीट्स इसको मिली अब बात करें हम जोरम पीपल्स मूवमेंट की अब ये जो पार्टी है ये पार्टी 2023 के जो विधानसभा चुनाव हुआ इसमें पहली बार एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में आ, इसने भाग लिया था और 2019 में ये पार्टी जो थी एक क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त थी सो जो ये अगर हम बात करें यहाँ पर 2023 के चुनाव की विधानसभा चुनाव की तो पहली बार ये एक राजनीतिक पार्टी के रूप में सामने आई राज्य स्तर की इससे पहले तक ये मात्र क्षेत्रीय दल के रूप में इसको रिकग्निशन मिला हुआ था टोटल अगर हम बात करें कितनी महिला प्रतिनिधि यहाँ पर जीती तो वो हैं तीन तीन महिलाएं जो थीं वो इस पूरे चुनाव में जीती हैं अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि पहली महिला कैबिनेट मंत्री ये बनी हैं लाल रिन पुई ठीक है तो लालरिन पुई का नाम जरूर याद रखें ये मिजोरम की पहली महिला कैबिनेट बनी है और अगर मंत्री बनने की बात करें सो ये तीसरी महिला मंत्री बनी है ठीक है मतलब मंत्री की अगर हम बात करें कि इससे पहले कौन कौन मंत्री बन चुकी हैं लेकिन कैबिनेट मंत्री के रूप में ये पहली बार चुनी गई हैं ठीक है थीके, तो मिज़ोरम की पहली कैबिनेट मंत्री बनी है महिला कैबिनेट मंत्री लालरिन पोई उन्नीस में मिजोरम विधानसभा के चुनाव के बाद से यह पहला अवसर है जब एक से अधिक महिला जो हैं वो विधानसभा सदस्य के रूप में जिनका मतलब वो जीती हैं ठीक है थीके? इसके बाद पिछले चालीस वर्षों में यह पहली बार है जब मिज़ो नेशनल फ्रंट और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसके अतिरिक्त किसी दूसरी पार्टी के नेता ने मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी है अब ये जो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले हैं इनका नाम क्या है इनका नाम है लाल दुहू मोहा ठीक है होमा सो लाल दू होमा ये जो है मुख्यमंत्री बने हैं लालदू होमा की बात करें पहले आईपीएस अधिकारी थे और ये जो है अब छठवें मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर इन्होंने शपथ ग्रहण करी है 2023 के अगर विधानसभा चुनाव की बात करें ठीक है तो ये जो हैं शेरशिप विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से ये निर्वाचित हुए इससे पहले अगर हम बात करें तो इन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सुरक्षा में ये तैनात थे उन्नीस में ये कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर मिजोरम से लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए लेकिन दल बदल कानून के तहत इनको अयोग्य घोषित करा गया और ये जो थे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन पर ये कानून जो था वो लगाया गया और इनको जो है बाहर किया गया लोकसभा से उन्नीस में ये चीज़ भी इनके बारे में आपको याद रखनी है इसके बाद आगे बढ़ते हैं बात करते हैं राजस्थान के विधानसभा चुनावों की तो टोटल अगर हम सीट्स की बात करें 200 सीट्स हैं बट चुनाव हुए एक के लिए रीज़न क्या था कि एक विधानसभा क्षेत्र है करणपुर यहाँ पर प्रत्याशी थे कांग्रेस के जिनका नाम था गुरमीत सिंह कूनर इनकी डेथ हो जाती है जिसकी वजह से यहाँ पर चुनाव को स्थगित किया जाता है और 2024 जनवरी में यहाँ पर उपचुनाव करवाया जाता है जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रूपेंद्र सिंह कूनर इन्होंने जीत दर्ज की जो है एक चरण में चुनाव करवाया गया वोट परसेंटेज की बात करें चौहत्तर दशमलव बासठ प्रतिशत यहाँ पर वोट पड़े और यहाँ पर जो ये चुनाव हुआ था ये सोलहवीं विधानसभा के लिए हुआ था जिसके जो रिजल्ट थे वो दिसंबर 2023 में जारी किए गए विजयी पार्टी की बात करें बीजेपी ने यहाँ पर जीत जीत जो है उसको दर्ज किया और एक सीटें यहाँ पर जीती वहीं अगर टोटल महिला प्रतिनिधियों की बात करें जिन्होंने जीत दर्ज करी वो है कितनी बीस मुख्यमंत्री की बात करें तो भजन लाल शर्मा ये जो थे यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में चयनित करे गए और ये सांगनेर विधानसभा से पहली बार विधायक का चुनाव जीते थे पहली बार ये विधायक बने हैं और पहली बार में ये सीधे क्या बन गए सीएम बन गए नाम है भजन लाल शर्मा उप मुख्यमंत्री की बात करें दिया कुमारी यहाँ पर उप मुख्यमंत्री के रूप में चुनी गई इसके अलावा जो दूसरे उप मुख्यमंत्री चुने गए वो हैं आपका प्रेमचंद्र बैरवा सो ये दो जो हैं उप मुख्यमंत्री के रूप में चयनित हुए विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो वासुदेव देवनानी ये यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष बने हैं इसके बाद अगला जो चुनाव है वो है आपका तेलंगाना के बारे में यहाँ पर बात करें टोटल सीटों की विधानसभा की सो वो कितनी है 119 वोट परसेंटेज की बात करें 71.34 इतना यहाँ पर वोट डाला गया तीसरी विधानसभा के लिए यहाँ पर जो रिजल्ट जारी करे गए ये तीसरी विधानसभा के चुनाव हुए थे वो दिसंबर 2023 में जारी किए गए कांग्रेस ने यहाँ पर जीत दर्ज करी टोटल 64 सीटें जीती एक में से और पराजित पार्टी की बात करें तो भारत राष्ट्र पार्टी है इसका नाम भी याद रखना है टोटल अगर हम बात करें विजयी महिला प्रतिनिधि तो वो कितनी है दस ठीक है जो कि टोटल विधानसभा सीटों का कितना है लगभग आठ प्रतिशत है इसके बाद मुख्यमंत्री की बात करें सो मुख्यमंत्री के रूप में अनुमुला रेवंत रेड्डी इन्होंने जीत दर्ज करी और ये आपका कोंडलकल विधानसभा से जीती और ये राज्य की दूसरी मुख्यमंत्री हैं दूसरे मुख्यमंत्री हैं उप मुख्यमंत्री की बात करें मल्लू भाटी विक्रमाक ये जो हैं यहाँ पर उप मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए मल्लू भाटी विक्रमाक ठीक है आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की जिसमें हम लोग देखेंगे जो आपका अनुच्छेद 370 है इस पर सर्वोच्च न्यायालय का जो ऐतिहासिक निर्णय आया उसके बारे में सो यहाँ पर निर्णय पे चलें इससे पहले बात करते हैं कि अनुच्छेद 370 सौ सत्तर एग्जैक्टली है क्या या फिर क्या था सो इसकी वजह से जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था मुझे लगता है इसके बारे में काफ़ी कुछ आपको ऑलरेडी पता भी होगा और इस अनुच्छेद को उन्नीस सौ उनचास में अस्थायी प्रावधान के रूप में जोड़ा गया था और अनुच्छेद पैंतीस ए की बात करें तो वो इसी अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 370 से ही उपजा था 1954 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से ये जो अनुच्छेद 335 ए है इसको लाया गया और इसके माध्यम से स्थानीय निवासियों को परिभाषित किया गया इसके तहत सिंपल सा ये बात समझने वाली है कि कोई भी वहाँ की लड़की जो है अगर किसी अदर स्टेट इन हिंदुस्तान के किसी अदर स्टेट में शादी करती है तो उसकी वहाँ की नागरिकता ख़त्म हो जाती थी ठीक है डोअल सिटीजनशिप का जो प्रावधान था वो ख़त्म हो जाता है इसके अलावा बहुत सारी सहूलियतें जो उसे जम्मू कश्मीर में मिलती वो नहीं मिलेंगी अगर वो किसी दूसरे राज्य की लड़, लड़के से वो शादी करती है ठीक है बट अब ऐसा नहीं है क्योंकि अब ये जो पैंतीस ए है ये अपने आप ख़त्म हो गया जब तीन को समाप्त किया गया इसके बाद आगे इसमें बात करें 2019 की तो 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 ए की समाप्ति को मंजूर किया गया और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठित किया गया सो ये जो पर्टिकुलर डेट है 31 अक्टूबर 2019 इसको ज़रूर याद रखना है क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरी बनाए गए ग्यारह दिसंबर दो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पाँच जीरो के फैसले में केंद्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 और 35 ए इसको निरस्त करने का निर्णय जो लिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा इसको वैध ठहराया सो यहाँ पर जो संवैधानिक पीठ बैठी सॉरी संवैधानिक पीठ ने यहाँ पर जो पीठ बैठी सुप्रीम कोर्ट की उसने पाँच शून्य के निर्णय से ये फैसला दिया था अब ये जो पाँच शून्य का फैसला है इसमें पांच जो जजेस थे वो कौन कौन थे तो उसमें हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं डी वाई चंद्रचूड़ ये शामिल थे एस के कौल शामिल थे संजीव खन्ना वी आर गवई और सूर्यकांत ये पांच जजेस थे जिन्होंने पाँच शून्य से ये फैसला दिया इसके बाद जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 की बात करते हैं अब कौन कौन से संशोधन हैं जो इसके द्वारा किए गए सबसे पहला कि जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं या फिर कश्मीर के जो निवासी हैं निवासियों में से अधिकतम दो सदस्यों को विधानसभा में नामित करने का प्रावधान है मतलब नॉमिनेशन का कम से कम दो लोगों को है कि दो लोग इसमें नॉमिनेट करे जाएंगे कश्मीर से जिसमें एक महिला सदस्य होंगी इसके अतिरिक्त उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा में एक सदस्य पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों में से नामित किया जा सकता है कौन कर सकता है उपराज्यपाल कहाँ पर मतलब जो पीओके है पीओके में जो पहले रहा है व्यक्ति या फिर पहले पीओके से विस्थापित होकर यहाँ पर आया है ऐसे विस्थापितों में से किसी एक व्यक्ति को वो नामित कर सकता है इसके बाद नेक्स्ट जो प्रावधान है सो तो ये प्रावधान है कि इस विधेयक में जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 107 से बढ़ाकर 114 करने का प्रस्ताव किया गया है सो so, ये जो पुनर्गठन विधेयकता हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो अभी आपने देखा कि पीओके से विस्थापित अगर कोई है तो उसमें से किसी एक व्यक्ति को उपराज्यपाल जो है वो नामित कर सकता है ठीक है इसके अलावा यहाँ पर बात करी गई कि जो टोटल विधानसभा की सीटें हैं उनको बढ़ाकर एक से एक करने का प्रस्ताव इसके अंदर शामिल किया गया और इन सदस्यों में सात जो है वो अनुसूचित जाति और नौ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी ये जो 114 सीटें हैं इसमें सात सीटें अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और नौ जो हैं एस यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब इनके लिए रिजर्व रहेंगी जम्मू कश्मीर की विधानसभा की वास्तविक सीटें तिरासी से बढ़ाकर नब्बे करने का प्रावधान किया गया ये जम्मू कश्मीर के बारे में है ठीक है सो मतलब जो ये वास्तविक सीटें वास्तविक सीटों का मतलब क्या है कि काफ़ी सारी सीटें ऐसी हैं जो पी की हैं ठीक है अब वो पीओके के की अगर हम हटा दें हम सिर्फ बात करें जो आज की डेट में इंडिया के अंडर सीट्स हैं तो वो टोटल कितनी है वो उनको बढ़ाकर नब्बे करने का प्रावधान किया गया इनमें से तैतालीस सीटें जम्मू में और सैंतालीस सीटें कश्मीर में होंगी ठीक है 43 थ्री कहाँ पर जम्मू में और 47 सेवन सीटें कहाँ कश्मीर में होंगी पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर के लिए चौबीस सीटें जो है वो आरक्षित की गई हैं सो इस तरीके से ये हमारा जम्मू और कश्मीर का जो पुनर्गठन विधेयक था उसके बारे में है अब बात करते हैं जो ये पुनर्गठन विधेयक था इसमें जो दूसरा संशोधन किया गया सो इस संशोधन को कब किया गया ये 2019 में संशोधन प्रस्तावित था और इसमें क्या कुछ है इसको भी यहाँ पर देखते हैं इस विधेयक के अनुसार जहां तक संभव हो सके जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सभी निर्वाचित सीटों में से महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है सो टोटल अगर हम बात करें तो वन थर्ड सीट्स यहां पर रिजर्व करने की बात करी गई है ये आरक्षण विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा जो एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है और इस विधेयक के प्रावधान विधेयक के कानून बनने के बाद संचालित होने वाली जनगणना के बाद प्रभावी होंगे मतलब तुरंत ये प्रभावी नहीं होंगे जब एक बार कानून बन जाएगा उसके बाद जब जनगणना होगी उसके बाद ये लागू किए जाएंगे सो ये सब कुछ था इस आर्टिकल के बारे में इसके बाद अगला आर्टिकल है मेरा युवा भारत अब ये जो मेरा युवा भारत है इसके बारे में एक एक करके सारी बातें समझते हैं सबसे पहली बात ये कि दो का जो विज़न है केंद्र सरकार का स्पेशली नरेंद्र मोदी का सो उसको साकार करने के लिए एक स्वायत्त साक्षी निकाय यानी कि बॉडी वो क्या है आपकी मेरा युवा भारत इसके रूप में एक व्यापक सक्षम तंत्र की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है ताकि विजन दो को साकार किया जा सके शुभारंभ की तिथि और व्यक्ति की बात करें तो 31 अक्टूबर 2023, 31 अक्टूबर मतलब राष्ट्रीय एकता दिवस अब इस दिन नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में बताया मतलब इसको शुरू किया अब बात करें मेरा युवा भारत की तो अभी हमने बात करी है कि ये एक स्वायत्त निकाय होगा यानी कि स्टेचुअरी बॉडी होगी ये और ये युवा विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखिएगा कि ये जो मंच है ये 15 से उनतीस साल तक के बीच के जो युवा हैं इनको जो है लाभ पहुँचाएगा लेकिन विशेष रूप से किशोरों के लिए बनाए गए इस कार्यक्रम के घटकों के मामले में अगर हम अलग अलग इस कार्यक्रम के घटक की बात करें तो उसमें जो लाभार्थी होंगे वो दस से उन्नीस वर्ष के होंगे आयु वर्ग के होंगे ठीक है सो ये दो पॉइंट यहाँ पर याद रखने हैं कि अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये पंद्रह से उनतीस वर्ष की जो आयु वर्ग के युवा हैं इनकी बात करता है उनको फायदा पहुंचाएगा। बट अगर हम बात करें इसके घटकों की तो जो मतलब विशेष रूप से जो किशोरों के लिए बनाए गए घटक हैं सो उसमें जो किशोर को डिफाइन करा गया है वो दस से उन्नीस वर्ष की जो आयु वर्ग है उसको इसके अंदर टारगेट किया गया है इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि मेरा युवा भारत एक फिजिटल अब ये फिजिटल का मतलब क्या है यानी कि फ़िजिकल और डिजिटल इन दो वर्ड्स को मिलाया है फिजिकल और डिजिटल तो इसका मतलब क्या है कि जो भौतिक गतिविधियां हैं उनके साथ डिजिटल तकनीक को जोड़ना यही है आपका फिजिटल ठीक है सो ये फिजि, फिजिटल एक मंच है और यह युवाओं को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता की जगह विकास का सक्रिय संचालक बनाने में मदद करेगा या फिर बनने में मदद करेगा ठीक है सो यहाँ पर हमारा ये वाला आर्टिकल फिनिश होता है इसके बाद अगला आर्टिकल है आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन कब हुआ सारी डेट्स याद रखनी है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है 12 मार्च 2021 में इसको लॉन्च किया गया था आज़ादी के अमृत महोत्सव को इसकी आधिकारिक घोषणा की गई थी 31 अक्टूबर 2023 को इसका समापन हुआ नरेंद्र मोदी उस टाइम पर वहाँ पर मौजूद थे और ये जो कार्यक्रम रहा ये कर्तव्य पथ नई दिल्ली में रहा था ठीक है और इसी टाइम पर अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास भी नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया तो अमृत महोत्सव स्मारक इसका शिलान्यास नरेंद्र मोदी ने किया कहाँ पर कर्तव्य पथ नई दिल्ली में और उसी दिन ये अमृत महोत्सव का समापन भी होता है 31 अक्टूबर 2023 को आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान कौन कौन से जो दिवस हैं इनको मनाने की घोषणा की गई पहला है आपका 14 अगस्त इस दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा आपसे 15 नवंबर की बात करें जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा 26 दिसंबर की बात करें तो वीर बाल दिवस के रूप में यानी कि साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह इन्होंने जो शहादत दी थी उसके याद में ये वीर बाल दिवस मनाया जाएगा कब मनाया जाएगा छब्बीस दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस ये आपका 15 नवंबर को मनाया जाएगा हर साल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये आपका 14 अगस्त को मनाया जाएगा इसके बाद बात करते हैं अमृत महोत्सव पुरस्कार की ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीन अगर हम बात करें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की तो इसमें जम्मू कश्मीर हरियाणा और राजस्थान ये टॉप थ्री रहे हैं इनका नाम आपको एज इट इज़ याद रखना है वहीं अगर मंत्रालयों की बात करें कि कौन कौन से मंत्रालयों को इसमें पुरस्कृत करा गया टॉप थ्री सो इसमें केंद्रीय विदेश मंत्रालय फिर रक्षा मंत्रालय फिर रेल मंत्रालय ठीक है रेल एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इसके बाद एक अभियान यहाँ पर शुरू करा गया जो अभियान था मेरी माटी मेरा देश अब ये जो मेरी माटी मेरा देश है इसकी तिथि क्या थी कब से कब तक ये चला ये 9 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच में चला और 31 अक्टूबर यानी कि जब ये पूरा जो अमृत महोत्सव था इसका समापन हुआ उस दिन तक ये चला ठीक है और 31 अक्टूबर को क्या होता है राष्ट्रीय एकता दिवस इसको अभी हम देख चुके हैं टैगलाइन की बात करें मिट्टी को नमन वीरों को वंदन ये इसकी टैग है आगे बात करते हैं यहाँ पर ये जो अभियान है ये उन वीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि जो है वो देता है श्रद्धांजलि स्वरूप इसको आयोजित किया गया था जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है स्थान की बात करें पथ नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और उस टाइम पर नरेंद्र मोदी वहाँ पर मौजूद थे और उसी दिन जो है अमृत महोत्सव का समापन भी हुआ था इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नमो वंदे भारत भारत की जो पहली रैपिड रेल सेवा है ठीक है अब ये जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम या फिर आर आर टी एस है तो ये एग्जैक्टली exactly जो मेट्रो रेल है उससे किस तरीके से अलग है तो सबसे पहली बात ये मेट्रो रेल से अलग है क्योंकि इसमें अपेक्षाकृत लंबी दूरी तक यात्रा करने वाले यात्री जो हैं वो उनके लिए इसको विकसित किया गया है ठीक है तो वो इसमें सफ़र करेंगे मेट्रो की एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है वहीं तक जाती है बट इसके अभी हम आगे बात करेंगे तो आप देखोगे कि काफ़ी लंबे लंबे रूट हैं मेट्रो से कहीं ज़्यादा और इसकी गति भी जो है वो मेट्रो की तुलना में तीन गुना अधिक होगी और इसमें कम ठहराव होंगे ठहराव मतलब स्टॉपेज इस इसके कम रहेंगे मेट्रो में तो हर दो मिनट पे एक स्टेशन आता है दिल्ली मेट्रो की अगर बात करें तो यहाँ पर उस तरीके से नहीं रहेगा अब ये जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है इसके लिए आठ गलियारों के विकास की सिफ़ारिश की गई है जो आर आर टी एस है यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ऐसे आठ बनाए जाएंगे ठीक है आठ गलियारे उसके बनाए जाएंगे पहला गलियारा दिल्ली गाजियाबाद मेरठ इसको एज इट इज़ याद रखना ये नंबर याद रखना आठ गलियारे और ये गलियारे कौन कौन से हैं ये भी याद रखना ठीक है सो दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ दिल्ली गुरुग्राम एस एन बी अलवर फिर दिल्ली पानीपत दिल्ली फ़रीदाबाद बल्लभगढ़ और पलवल इसके अलावा गाजियाबाद खुरजा वाला एक गलियारा रहेगा दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक का एक गलियारा रहेगा दिल्ली शाहदरा बड़ौत का एक गलियारा रहेगा और गाज़ियाबाद और हापुड़ के बीच में एक गलियारा बनाया जाएगा ठीक है अब सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसकी दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ खंड की क्योंकि इसी का जो है उद्घाटन करा नरेंद्र मोदी ने कब उद्घाटन करा बीस 20 अक्टूबर दो को और टोटल अगर हम बात करें इस पूरे खंड की लंबाई की तो बयासी दशमलव पंद्रह किलोमीटर ये लंबा है गाज़ियाबाद में जो साहिबाबाद रेपिडेक्स स्टेशन है वहाँ पर ये सब कुछ कार्यक्रम हुआ था अब यहाँ पर आगे बात करें कि इसके साथ ही जब इसको इसका उद्घाटन किया गया मोदी के द्वारा इसके साथ ही मोदी ने भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन इसको भी राष्ट्र को समर्पित किया भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांज़िट सिस्टम प्रणाली जो है मतलब प्रणाली सिस्टम कहें तो इसकी डिज़ाइन गति कितनी है 180 किलोमीटर प्रति घंटा ये मैक्स है अगर हम बात करें आरआरटीएस यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम तो इसकी संचालन या फिर ऑपरेशनल स्पीड की बात करें तो 160 किलोमीटर पर आवर है लेकिन अगर एवरेज इसकी बात करें स्पीड की तो वो कितनी है हंड्रेड किलोमीटर प्रति घंटा है इसके बाद नमो भारत ट्रेन की बात करें तो ये आपकी साहिबाबाद को दुरई डिपो से जोड़ती है दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसको आप याद रखें इसके अलावा इसी के साथ भारत में आर प्रणाली जो है इसको भी शुरू किया गया इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं यह है आपका गांगे डॉल्फिन या फिर गंगा का जो जलीय जीव है ये इसको घोषित करा गया जो गंगा में डॉल्फिन पाई जाते हैं तो सबसे पहले गंगा डॉल्फिन की ही बात करते हैं 2023 में वन विभाग जो उत्तर प्रदेश का है इसके द्वारा गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई अब अगर हम बात करें गांगे डॉल्फिन की तो ये मीठे पानी में पाई जाने वाली चार डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है आई की जो रेड लिस्ट है उसमें इसको संकटग्रस्त की श्रेणी में वर्गीकृत करा गया है अगर हम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम उन्नीस की बात करें तो उसकी अनुसूची एक में इसको लिस्ट किया गया है जिसके तहत इसे जो है ज़्यादा सुरक्षा प्रदान की जाती है इसके अलावा साइट्स या फिर कन्वेंशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा उसकी बात करें तो उसके परिशिष्ट एक में सूचीबद्ध किया गया है इसके बाद अगर हम बात करते हैं देखो अभी हमने बात करी कि चार तरीके की डॉल्फिन है सो so, एक तो हो गई हमारी गंगा डॉल्फिन इसके अलावा तीन तरीके की और डॉल्फिन है वो है आपकी बेजी डॉल्फिन जो कि यांगजी नदी जो चीन की है उसमें पाई जाती है भूलन की बात करें भूलन डॉल्फिन ये आपकी सिंधु नदी में पाई जाने वाली है वोटो की बात करें ये अमेजन नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन है दो में चीन की जो यांगजी रिवर है उसमें डॉल्फिन जो है अब नहीं रह गई हैं चाइना ने इस बात को घोषित कर दिया है गंगा डॉल्फिन इसको जो है आपका टाइगर ऑफ द गंगा इस नाम से भी जाना जाता है और ये जो डॉल्फिन है ये स्तनधारी अंधी होती हैं ठीक है थीके? मतलब स्तनधारी होती हैं और अंधी होती हैं ये पॉइंट और याद रखना है अब बात ये उठती है कि अगर ये अंधी होती हैं तो ये अपने शिकार को कैसे ढूंढती हैं तो शिकार को ढूंढने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों को उत्सर्जित करते हैं जिसके माध्यम से ये अपने शिकार को पहचानती हैं वैज्ञानिक नाम की बात करें तो प्लेटानिस्टा गेंगेटिका ये इसका वैज्ञानिक नाम है इसके बाद राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस की बात करें तो ये पाँच अक्टूबर को मनाया जाता है इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है वो है आपका प्रोजेक्ट डॉल्फिन सो इसको नरेंद्र मोदी ने घोषित किया था पंद्रह अगस्त 2020 को ताकि जो नदी और जो समुद्र दोनों में डॉल्फिन पाई जाती हैं उनका संरक्षण किया जा सके गंगा नदी के किनारे गंगा नदी डॉल्फिन के महत्वपूर्ण आवासों को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में सूची अधिसूचित किया गया है जैसे आपका हो गया विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो कि भागलपुर बिहार में लोकेटेड है सो विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर लोकेटेड है याद रखना है आपको भागलपुर बिहार में ये लोकेटेड है इसके बाद आगे बात करते हैं वर्ष 2008 की जब असम सरकार ने राज्य का जलीय पशु इसको घोषित किया है ठीक है डॉल्फिन को मई 2010 की बात करें तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में डॉल्फिन को घोषित किया इसके बाद 2019 की बात करें तो पंजाब द्वारा सिंधु नदी की जो डॉल्फिन है इसको राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया है वहीं 2023 जिसके बारे में अभी हमने देखा है कि यहाँ पर गंगे डॉल्फिन को यूपी का जो वन विभाग है इसके द्वारा प्रदेश जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया है इसके बाद दूसरे तथ्यों की बात करते हैं बात करें उत्तर प्रदेश की जो राज्य मछली है इसका नाम क्या है चितला वहीं बिहार की राज्य मछली का नाम बात करें तो ये क्या है आपका देशी मांगुर गुजरात की जो राज्य मछली है ये अभी लाइमलाइट में रही क्योंकि ये करंट अफेयर्स का पार्ट है नवंबर 2023 में गुजरात की जो सरकार है इसके द्वारा घोल मछली को राज्य मछली के रूप में अधिसूचित किया गया विश्व मातस्वी दिवस ठीक है जो कि आपका 21 नवंबर को मनाया जाता है उसी दिन इसका रीज़न क्या था क्योंकि ये जो है आर्थिक रूप से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मतलब इसकी आर्थिक मूल्य काफ़ी है और ये विशिष्टता है इसकी ठीक है इसकी वजह से इसको राज्य मछली के रूप में घोषित किया गया फिर अधि, अधिसूचित किया गया इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है आपका प्रोटोनिबिया प्रोटो डाई ये इसका वैज्ञानिक नाम है रंग की बात करें सुनहरे रंग की होती है और भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछलियों में से एक है और इसको जो है गोल्ड फिश भी कहा जाता है सो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं अगला सेशन जल्द ही आएगा अभी नेशनल अफेयर्स चल रहे हैं सो काफ़ी कुछ अभी बचा है नेशनल अफेयर्स में ज़रूर आप इस सीरीज़ को फॉलो करें इस पी को पाने के लिए आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके साथ जुड़ जाइएगा जब ये पूरा कम्प्लीट हो जाएगा नेशनल अफेयर तब आपको ये पूरा पी प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप मल्टीपल टाइम्स खुद से भी रिवाइज़ कर पाएँ सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय